दोस्तों आज हम फिर हाजिर है आपके सामने वाइल्ड लाइफ के कुछ बेहतरीन नज़ारे लेकर जो कि आपको वाकई में पसंद आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर ये सियार एक बड़े पक्षी को पकड़ लेता है और उसे पानी से खींचकर बाहर ले आता है। खैर दिखने में पक्षी सियार से भी काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन गर्दन से पकड़े जाने की वजह से वो सियार पर हमला करने में असक्षम है और सियार भी इस बात का पूरा फायदा उठाता है और वो उस पक्षी की गर्दन को अपने मुंह के अंदर लगातार दबाए हुए रहता है, जिसके चलते कुछ समय बाद वो पक्षी मारा जाता है। अगला ये वीडियो काफी फनी है क्योंकि इसके अंदर जब ये राइनो आराम से घास खा रहा था तभी पास में ही टहल रहे दो पिग उसे काफी देर से परेशान कर रहे थे क्योंकि वो राइनो के खाने को बार बार चुरा कर खा रहे थे और इससे राइनो भी काफी परेशान हो गया था। और इसी दौरान जब एक सुअर उसके नजदीक आया तो उसने उसे अपने सींग से हवाई यात्रा करा दी और सुअर काफी देर बाद जमीन पर आके गिरा, जिससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुअर कितना ऊपर गया होगा। खैर इस हवाई यात्रा में सुअर को काफी चोट लगी होगी। कुछ ऐसा ही इस वीडियो के अंदर भी हुआ। हालांकि इस वीडियो के अंदर इस डंकी ने इस पिक को हवा में तो नहीं उछाला, लेकिन इसकी कान खिंचाई बहुत अच्छे से की है। खैर इस पिक की एक कान खिंचाई किस कारण की वजह से हो रही है इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन आज ये गधा काफी गुस्से में दिखाई पड़ रहा है और ये इस पिक को छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगले इस वीडियो के अंदर जब ये शेरों के बच्चे एक लिजार्ड को चारों तरफ से घेर के उसे अपना शिकार बनाने की सोच रहे थे और इसी दौरान इन्हीं में से एक बच्चा लिजार्ड को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन इस नजारे को दूर खड़े केप बफेलोस देख रहे थे और केप बफेलोस को उनकी ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि एक केप बफेलो वहां पर दौड़ता हुआ आता है और शेर के बच्चे को अपने सींगों से कई मीटर हवा में उछाल देता है। अगले इस वीडियो के अंदर जब ये सांप एक गिरगिट को खाने जाता है तो वीडियो के अंदर दिख रहा गिरगिट उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है क्योंकि ना तो वो भागने की कोशिश करता है और नए सांप से सामना करता है और इसी वजह से सांप उसे बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेता है। खैर आपका इस गिरगिट के बारे में क्या विचार है कि बिना लड़े सरेंडर कर देना ठीक है या फिर नहीं? दोस्तों दिख रहे इस वीडियो के अंदर ये हिरण एक लेंड के ऊपर फंस जाता है जिसके चारों तरफ पानी भरा होता है और इस तालाब के अंदर बहुत सारे क्रोकोडाइल मौजूद है और मगरमच्छ उसे पानी में डुबोकर मार देता है। दोस्तों सबसे आखिरी वाले इस वीडियो के अंदर ये वाइल्ड डॉग एक हिरण का शिकार करते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये शिकार को पानी से दूर ले जा पाते तभी वहां से पानी से निकलकर एक नाइल क्रोकोडाइल आ जाता है और वाइल्ड डॉग के किए हुए शिकार को चुरा कर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वाइल्ड डॉग शिवाय देखते रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।